वाराणसी के लंगा थाना क्षेत्र के नेवादा इलाके में एक नर्स की उसी के घर के कमरे में लाश मिलने पर सनसनी फैल गई। 24 वर्षीय नीता पटेल मिर्जापुर के चुनार की रहने वाली थी। बलात्कार कर हत्या कर देने के बाद इलाके में सनसनी थी और क्षेत्र के लोगों ने पथराव भी किया। फिलहाल पुलिस मकान मालिक को गिरफ्तार कर पूछताछ में जुटी है। वाराणसी में बलात्कार कर बेरहमी से हत्या की दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई, जिसमें एक शादीशुदा नर्स की उसी के किराए के घर में निर्वस्त्र गला रेता हुआ शव पड़ा मिला। 24 वर्षीय मिर्जापुर चुनार की रहने वाली विवाहिता नीता पटेल वाराणसी के लंका थाना क्षेत्र के नेवादा स्थित एपेक्स अस्पताल में नर्सिंग की पढ़ाई कर रही थी और वहीं पर पार्ट टाइम काम भी करती थी। नीता अपने रूम पार्टनर सोनिया और सहपाठी के साथ इलाके के ही एक घर में किराए पर रहती थी। सोनिया जब अपनी नाइट शिफ्ट कर रूम पर लौटी तो रूम का दरवाजा पूरी तरह बंद नहीं था। अंदर पहुंचने पर सोनिया ने जो देखा उसके होश उड़ गए। नीता का निर्वस्त्र शव उसी के बिस्तर पर औंधे मुंह गिरा पड़ा था और उसकी कटी गर्दन से निकले खून से पूरा बिस्तर और फर्श सना हुआ था। नीता शादीशुदा थी और उसका पति हफ्ते में एक ही दिन शनिवार को उससे मिलने आता था। मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। हत्या के इस वारदात में फोरेंसिक टीम और डॉग स्क्वाड की भी मदद ली जा रही है। बीते कुछ दिनों में वाराणसी में अपराध का ग्राफ बढ़ा है, जिसके चलते अब संगीन वारदातें भी बढ़ना शुरू हो गई हैं। कानून और पुलिस का डर अपराधियों के दिल से कुछ इस कदर मिट गया है कि अब घर के बाहर क्या घर के भीतर भी महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं।